गरीब माँ की पांच बेटियों की शादी। कौशल्या एक गरीब औरत थी, वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। कौशल्या की पांच बेटियां थी, मीना, गीता, कंचन, आरती और लक्ष्मी। कौशल्या अपनी पांचों बेटियों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कौशल्या के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद कौशल्या के ऊपर उसकी पांचों बेटियों की जिम्मेदारी थी। कौशल्या अपनी पांचों बेटियों की परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे कौशल्या अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी पांचों बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी, उनके सारे कपड़े फट गए हैं। कौशल्या ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वो सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर लेकर जाती है और उनसे पैसे लेकर अपनी पांचों बेटियों के सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और फिर खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी पांचों बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, ये लो, तुम पांचों बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे कि मैं तुम पांचों के लिए सूट सिल सकूं। कौशल्या की पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आप हम पांचों बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप ना होती तो पता नहीं हम पांचों बहनों का क्या होता। पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम पांचों बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। माँ, आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट माँ हो। माँ, आपको हम पांचों बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए उन पैसों से घर के राशन आ जाते तो अच्छा होता। बेटी, मैं जितना कमाती हूँ वो सारे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सामान भी भर दूंगी। अब तुम पांचों बहनें जल्दी से जाकर ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम पांचों बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कौशल्या के कहने पर मीना, गीता, कंचन, लक्ष्मी, आरती पांचों बहनें तैयार होने के लिए चली जाती है, जिसके बाद पंडित जी सुरेश नाम के एक आदमी को कौशल्या के घर लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी पांच बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा करती है। बहुत ही मेहनती औरत है और उसकी पांचों बेटियां भी बहुत सुंदर संस्कारी है। एक बार आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने पांचों बेटों के लिए उन्हें पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित सुरेश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर सुरेश कौशल्या से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर सुरेश कौशल्या से कहता है, अरे बहन जी, पंडित जी ने जैसा बताया था बिल्कुल आपकी पांचों बेटियां वैसी ही सुंदर और संस्कारी है। मुझे अपने पांचों बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खुशी खुशी अपनी पांचों बेटियों को एक शादी के जोड़े में विदा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश होती है और सुरेश के आगे हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और वो कहती है, भाई साहब, आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप हमारी पांचों बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दिए। आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपनी पांचों बेटियों को आपके घर बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाए और मेरी पांचों बेटियां खुशी खुशी रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन कौशल्या दिन रात सोचती रहती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी पांच बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती है और उन पैसों को लेकर अपनी पांचों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। कौशल्या लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी पांचों बेटियों के लिए लहंगे पसंद करती है और वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इतना सुंदर लहंगा पहनकर मेरी पांचों बेटियां तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये पांचों लहंगे? कौशल्या के पूछने पर दुकानदार उससे कहता है, अरे बहन जी, जो लहंगा आपने पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये पांचों लहंगे बहुत ही महंगा और दुकान के सबसे फेमस डिजाइन का लहंगा है। एक लहंगे की कीमत आपको 15,000 रुपए पड़ेगी, यानी कि 5 लहंगे आपको 75,000 रुपए के पड़ेंगे। इतने पैसों की बात सुनकर कौशल्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने महंगे लहंगे हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि इतने महंगे लहंगे को खरीद सको, इसलिए जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। पता नहीं चलते फिरते फकीर इतने बड़े शॉप पर कहां से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देख कर किसी दुकान पर जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए कौशल्या रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, दो दिनों बाद मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या पहनेंगी मेरी बेटियाँ अपनी शादी में? कौशल्या रोते हुए सिलाई कर रही होती है कि तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत क्या है? मैं अपनी पांचों बेटियों के लिए खुद लहंगे सिलूंगी। कौशल्या के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी पांचों बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगे तैयार कर देती है, जिसे देखकर उनकी पांचों बेटियां कहती है, अरे वाह माँ, आपने कितना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार किया है। माँ, आप इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाई हो? माँ, ये लहंगे तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, इन लहंगों को मैं कोई दुकान से नहीं खरीदी हूँ, बल्कि मैंने इन पांचों लहंगों को खुद सिलकर तैयार किया है अपनी पांचों प्यारी बेटियों के लिए। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर उनकी पांचों बेटियां हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो, हमें तो ये पता ही नहीं था। अगर आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने, आप क्यों ना लहंगे सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ माँ, आप अपने लहंगे की कीमत इतना रखना कि एक गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगे खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, फिलहाल तो मुझे तुम पांचों बहनों की शादी की तैयारी करनी है। ऐसा बोलकर कौशल्या अपनी बेटी की शादियों की तैयारी में लग जाती है। दो दिनों बाद सुरेश अपने पांचों बेटों के साथ धूमधाम से बारात लेकर कौशल्या के घर आता है। इधर कौशल्या अपनी पांचों बेटियों को अपने हाथों से सिले हुए लहंगे पहनाकर मंडप में बिठा देती है। देखते ही देखते कौशल्या की पांचों बेटियों की शादी सुरेश के पांचों बेटों से हो जाती है। उसके बाद कौशल्या खुशी खुशी अपने पांचों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद कौशल्या सिलाई मशीन पर लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे तो अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं, इतना पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। कौशल्या खुशी खुशी लहंगे बेचकर अपने घर लौट आती है और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। और अब वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। लहंगा वाला जादुई खेत। कल्याणपुर नामक गांव में दो अनाथ भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम चिंटू और बहन का नाम कनिका था। चिंटू अभी छोटा था और कनिका चिंटू से बड़ी थी। कनिका अपना और अपने भाई चिंटू का पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करती थी। तभी एक दिन चिंटू अपनी बड़ी बहन कनिका से कहता है, दीदी दीदी, हमारे माता पिताजी हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? हमें अपने माता पिताजी की बहुत याद आती है। सभी बच्चे अपने माता पिताजी के साथ कितने खुशी खुशी रहते हैं, हम अपने माता पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते हैं दीदी? वो हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? मेरे प्यारे छोटे भाई, इस तरह से मायूस नहीं होते। चिंटू, माँ पिताजी हमारे साथ है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आसमान में जाकर तारा बन गए। जब रात हो जाए तो तुम माँ पिताजी से मिल सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। ठीक है दीदी, जब रात हो जाएगी तो मैं माँ पिताजी से बहुत सारी बातें करूँगा। अच्छा ठीक है चिंटू, तुम घर में अच्छे से रहना, मैं लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही हूँ। ऐसा कहकर कनिका जंगल के तरफ लकड़ियां काटने चली जाती है। कनिका बहुत मेहनत करके लकड़ी काटती और उसे बाजार में बेचा करती थी। कनिका लकड़ी काट ही रही थी कि अचानक तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियां भीग जाती है। कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो कनिका लकड़ियां लेकर बाजार जाती है और दुकानदार से कहती है, ये लीजिए भैया लकड़ियाँ, अचानक बारिश आ जाने की वजह से सभी लकड़ियाँ थोड़ी भीग चुकी है, लेकिन इनमें जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए।
क्या रही लड़की, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं तुम्हें ये भीगी लकड़ी का पैसा दूंगा, मैं सिर्फ सूखी लकड़ी खरीदता हूँ। चल अपनी ये लकड़ी लेकर निकल यहाँ से, और वैसे भी ये तुम्हारी भीगी हुई लकड़ी कोई नहीं खरीदने वाला। प्लीज भैया आप ये लकड़ी रख लीजिए, घर में मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे ये लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं राशन खरीदती हूँ और अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरती हूँ। अगर आप आज ये लकड़ी नहीं खरीदेंगे तो हम दोनों भाई बहन को भूखे ही सोना पड़ेगा। प्लीज भैया जी हम गरीब के पेट पर लात मत मारिए, ज्यादा नहीं थोड़े पैसे ही दे दीजिए, हमारा भाई अभी बहुत छोटा है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कनिका दुकानदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दुकानदार एक नहीं सुनता है। कनिका लकड़ी लेकर सब दुकानदारों के पास जाती है ताकि उसकी भीगी हुई लकड़ी कोई खरीद ले और बदले में उसे थोड़े पैसे दे दे। लेकिन कनिका के ऊपर कोई भी दुकानदार दया नहीं करता है और उसे अपने दुकान से भगा देती है। कनिका उदास होकर खाली हाथी अपने घर आ जाती है। तभी चिंटू कनिका से कहता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन आप तो आज खाली हाथ आई हो, आज आप कुछ खाने के लिए लेकर क्यों नहीं आई दीदी, क्या आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। चिंटू की बातें सुनकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनिका चिंटू को कैसे बताती कि आज उसकी लकड़ियां नहीं बिकी है और वो खाली हाथ घर आई है। तभी कनिका चिंटू से कहती है, नहीं नहीं मेरे प्यारे छोटे भाई, घर में रोटी रखी हुई है, मैं तुम्हें रोटी खाने के लिए दे देती हूँ, तुम वही खाकर सो जाना। ऐसा कहकर कनिका रसोई घर में जाती है और बची हुई रूखी सूखी रोटियां अपने भाई को खिला देती है और उसे सुला देती है। ऐसे ही लगातार दो तीन दिनों तक बारिश होती रहती है और कनिका लकड़ी नहीं बेच पाती है और दोनों भाई बहन को भूखे रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। कनिका अपने छोटे भाई चिंटू की तबीयत खराब देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने माँ पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ पिताजी आप देख रहे हैं ना, चिंटू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई का इलाज करा सकूं। मैं कितनी लाचार बहन हूँ कि अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ पिताजी अगर आज आप हमारे साथ होते तो चिंटू को भूखे रहना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ पिताजी आप हम दोनों भाई बहन को अकेले छोड़कर क्यों चले गए। ऐसा कहकर कनिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी कनिका की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, कनिका इस तरह से हिम्मत नहीं हारते बेटा, मुझे पता है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि तुम्हें मैं वो बीज दे दूं जिसकी अब तुम्हें बहुत जरूरत है। माँ क्या आप सचमुच में मुझसे बातें कर रही हैं? माँ आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप किस बीज की बात कर रही हैं माँ? कनिका बेटा मुझे एक साधु बाबा ने एक जादुई बीज दिया था, लेकिन बेटा उस बीज को हम कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटा तुम अब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अब वो बीज देना चाहती हूँ। तुम उस बीज को कहीं खाली स्थान में ले जाकर बो देना और तुम जिस चीज के बारे में भी सोचोगी उसकी खेती हो जाएगी। और हाँ एक बात ध्यान रखना, वो खेत कोई मामूली खेत नहीं होगी बल्कि वो जादुई खेत होगी। क्या सच में माँ? माँ अब मैं मेहनत करके लहंगों की खेती करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लहंगा बेच सकूं और चिंटू का इलाज करा सकूं। ठीक है बेटा तुम्हें जो सही लगे वही करना, वो जादुई बीज मेरे पुराने अलमारी में रखा है, तुम जाओ और उसे निकाल कर इस्तेमाल कर लो। कनिका अपने स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ की पुरानी अलमारी को खोलकर देखती है और उसमें से बीज निकालकर घर के बाहर खाली स्थान में बो देती है और सुंदर सुंदर लहंगे के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह माँ ने तो बिल्कुल सच कहा था, अब मैं इन जादुई खेत से लहंगे लेकर बाजार में बेचूंगी। ऐसा कहकर कनिका वो लहंगे बाजार में बेचने लगती है। लहंगे सुंदर होने की वजह से कनिका के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और तुरंत ही सारे लहंगे बिक जाते हैं। अब कनिका के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो अपने छोटे भाई चिंटू का अच्छे से इलाज करा सके।
कनिका को लहंगे बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे लेकर घर जाती है और वो चिंटू से कहती है, चिंटू मेरे प्यारे भाई अब तुम टेंशन मत लो, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, अब मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा पाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाने के बाद तुम जो भी कुछ खाने के लिए मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ तुम्हारी बहन दिलवाएगी। क्या आप सच कह रही है दीदी? दीदी मुझे ठीक हो जाने के बाद आप पिज्जा बर्गर चाउमीन मुझे खिलाओगी ना? दीदी सभी बच्चों को खाता देखकर मेरा भी पिज्जा बर्गर खाने का मन होता है, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना दीदी? मेरे प्यारे छोटे भाई मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, तुम्हें ठीक होने के बाद जो मन करेगा वो खा लेना। ऐसा कहकर कनिका चिंटू को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर चिंटू का इलाज करते हैं और दो दिनों के बाद चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब कनिका अपने छोटे भाई चिंटू को मनपसंद का खाना खिलाने लगती है। चिंटू अब अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहता था और कनिका भी अपने भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। कनिका अब हर दिन जादुई खेत की मदद से लहंगे लेकर बाजार में बेचा करती थी। जिस बाजार में कनिका अपना दुकान लगाती थी ठीक उसके सामने लहंगे का एक बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन कनिका से बहुत ज्यादा जलने लगती है क्योंकि कनिका की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो कनिका से बदला लेने का सोचती है। इस कनिका की बच्ची का दुकान तो बहुत ज्यादा चल रहा है, हमारे सारे कस्टमर अब इसी के दुकान पर जा रहे हैं। मैं इतने पैसे खर्च करके सुंदर और डिजाइनर लहंगे बनवाती हूँ लेकिन मेरे एक भी लहंगे नहीं बिक रहे हैं। अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि ये कनिका इतनी सुंदर सुंदर लहंगे लाती कहाँ से है। पता लगाने के बाद तो इसे मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा सोचकर शोरूम की मालकिन अब कनिका पर नजर रखने लगती है। तभी रोज की तरह एक दिन कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से लहंगे लेने जाती है। तभी शोरूम की मालकिन भी कनिका के पीछे पीछे जाती है। कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत मुझे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। कनिका के इतना कहते ही लहंगा वाला जादुई खेत से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरूम की मालकिन को पता चल जाता है कि कनिका को इतनी सुंदर सुंदर और ब्रांडेड लहंगा कहाँ से मिल रहे हैं। अगले दिन शोरूम की मालकिन कनिका से पहले उसके खेत में जाती है और जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत मुझे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्रांडेड लहंगे चाहिए ताकि उस कनिका की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिके और मेरे सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाए। इतना बोलकर शोरूम के मालकिन लहंगा आने का इंतजार कर रही थी लेकिन वहाँ लहंगे तो नहीं आते और लहंगे की जगह बहुत सारे सांप बिच्छू आ जाते हैं और शोरूम की मालकिन को डस लेते हैं। तभी वहाँ पर कनिका लहंगा लेने आती है और उसे मालकिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि शोरूम की मालकिन यहाँ पर लहंगे लेने आई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद कनिका शोरूम की मालकिन से कहती है, मैडम जी ये लहंगा वाला जादुई खेत आपकी मदद तभी करती जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन आप तो यहाँ लालच में आई थी जिसका परिणाम आपको मिल गया। तुम सच कह रही हो कनिका बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बेटी अगर मेरे शरीर से जहर नहीं निकला तो मैं तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, कृपया कर तुम जल्दी से कुछ उपाय करो। शोरूम के मालकिन की बातें सुनकर कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहकर उसका जहर निकलवा देती है और शोरूम की मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत मैं लहंगा बेचकर इतना ही पैसा रखती हूँ जितने में मेरा और मेरे भाई का पेट भर सके, बाकी के पैसों से मैं गरीब और अनाथ की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरी मदद करते रहना। हाँ हाँ कनिका मुझे सब पता है, तुम लहंगा वाला जादुई खेत से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें लहंगा वाला जादुई खेत हमेशा लहंगा देते रहेगा। अब कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से बहुत सारे लहंगे लेकर अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती और गरीब और अनाथ लोगों का भी बहुत ज्यादा मदद करती थी। इसी तरह लहंगा वाला जादुई खेत की मदद से कनिका और उसके छोटे भाई चिंटू अपना जीवन बिताते हैं। ठंड में गरीब मनहूस बेटी की डोली। सपना दुल्हन बने अपने गरीब घर में बैठी हुई थी और आज वो किसी के घर की बहू बनने वाली थी और एक गरीब परिवार की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है।
इसलिए उसे तो ये सब सिर्फ एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि उसकी शादी शहर के एक बहुत ही बड़े घर के लड़के से होने जा रही थी और इस रिश्ते को तय करने के लिए उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की थी। वरना कोई भी अमीर घर का लड़का भला किसी गरीब गांव की लड़की से शादी क्यों करेगा। और रही बात लड़के की माँ सुमित्रा, जो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, और इसी वजह से उसने सपना को अपने घर की छोटी बहू बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि सुमित्रा के दो बड़े बेटे और थे जिनकी पहले से ही अमीर घर की लड़कियों मीनाक्षी और रिया से शादी हो चुकी थी। और इसी वजह से सपना की होने वाली दोनों जेठानियां इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि सपना एक गरीब घर की लड़की थी। पता नहीं माँ जी ने देवर जी का रिश्ता उस गरीब गांव की लड़की से तय क्यों कर दिया। अरे मुझे तो उन लोगों का रहन सहन देखकर ही गुस्सा आता है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं हम उस छोटे से गांव में बारात लेकर जाएंगे कैसे, वहाँ की तो सड़कें भी टूटी फूटी है। कोई बात नहीं रिया, एक बार ये शादी होने तो दो, फिर मैं उस सपना को महल के सपने दिखाती हूँ। दीदी मैं तो बस एक मौके का इंतजार कर रही हूँ, अगर मुझे मौका मिल गया ना तो मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। जहाँ सपना अपने घर में बैठे अपनी डोली उठने का ख्वाब देख रही होती है, वहीं उसकी दोनों जेठानियाँ उसकी शादी तोड़ने के बारे में सोच रही होती है। और ऐसे ही कुछ देर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव दूर होने की वजह से सभी बाराती कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं सुमित्रा के तीनों बेटे एक कार में बैठकर सबसे आगे चल रहे होते हैं और वहीं पीछे वाली गाड़ी में सुमित्रा और उसकी दोनों बहुएं बैठकर आ रही होती है। उसी समय सुमित्रा का बड़ा बेटा नीरज कहता है, अरे आज तो बाहर बहुत ठंड है और इतनी ठंड में तो गाड़ी चलाने का भी मन नहीं कर रहा है। हाँ भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज सच में बाहर बहुत ठंड है। ठंड से याद आया भैया, हम लोगों का बिजनेस भी तो इस समय ठंडा ही चल रहा है। पता नहीं पहले की तरह प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है बिजनेस में। सही कहा नकुल तुमने, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे बिजनेस पर। नीरज, नकुल और विवेक मिलकर अपने पिता का खड़ा किया हुआ बिजनेस चलाया करते थे, जिसमें पहले तो काफी प्रॉफिट होता था, लेकिन कुछ महीनों से उनके बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वो तीनों भाई बहुत परेशान थे। और ऊपर से ये शादी का खर्चा भी जो उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। और यही सारी बातें सोचते सोचते नीरज गाड़ी चला रहा होता है और गांव पहुंचते ही गांव की सड़कों पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। तभी मीनाक्षी कहती है, अरे माँ जी ये कैसा गांव है, यहाँ की तो सड़कें पर भी बर्फ जमी हुई है, गाड़ी भी कितनी मुश्किल से चल रही है। सही कहा दीदी आपने, माँ जी ने भी पता नहीं क्या सोचकर देवर जी की शादी इस गांव में तय कर दी। मुझे पता है तुम दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि सपना एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके आने से हमारे घर की खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी सास के मुँह से सपना की तारीफ सुनकर दोनों बहुओं का मुँह बन जाता है। वहीं नीरज अपने भाइयों से बातें करते हुए गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा गड्ढा खुदा होता है और उस गड्ढे के ऊपर बर्फ जमी होती है और इस वजह से नीरज को इस बात का पता नहीं चलता। और वो उस गड्ढे के ऊपर से गाड़ी निकालने वाला होता है कि तभी उसकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और वो तीनों भी गाड़ी के साथ साथ उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। और उनकी चीख की आवाज़ सुनकर सुमित्रा का ड्राइवर फटाफट से गाड़ी रोक देता है। तभी वो लोग गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि उसके तीनों बेटे गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। और ये देखकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, हम तो अपनी बहू की डोली उठाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तूने तो मेरे तीनों बेटों की अर्थी ही उठा दी, अब हम लोगों का क्या होगा। मीनाक्षी और रिया गुस्से में आकर सारा इल्जाम होने वाली बहू सपना के ऊपर लगाते हुए कहते हैं, देख लिया ना माँ जी आपने, आज आपकी जिद की वजह से हमने अपने पतियों को खो दिया। अरे मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि वो सपना मनहूस है मनहूस, और उसे अपने घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आज उस मनोज सपना की वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। और अभी तो उसके कदम तक नहीं पड़े थे हमारे घर में, तो इतना कुछ हो गया। तो सोचो अगर वो हमारे घर में बहू बनकर आ जाती तो हम लोगों का क्या होता। ऐसी स्थिति में सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से सुमित्रा भी अपने दोनों बहुओं की बातों में आ जाती है। तभी वो लोग सीधा सपना के घर पहुंचते हैं, जहां सपना के माता पिता बारात का स्वागत करने के लिए घर के बाहर खड़े होते हैं। और सुमित्रा को देखते ही सपना का पिता महेंद्र कहता है, अरे आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका। लेकिन दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? अरे तुम्हारी मनहूस बेटी की वजह से मेरे तीनों बेटों की समाधि बन चुकी है और तुम पूछ रहे हो कहाँ है मेरे बेटे। सुमित्रा की बात सुनकर महेंद्र और उसकी पत्नी घबरा जाती हैं। तभी महेंद्र कहता है, ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, मेरी बेटी की वजह से ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारी बेटी मनहूस है और इसी की मनहूसियत की वजह से आज मेरे तीनों बेटे गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं। पता नहीं वो तीनों जिंदा भी है कि नहीं। हाँ हमारे पतियों की जान आपकी मनहूस बेटी सपना की वजह से हुई है। अरे शादी होने से पहले ही अपने ससुराल में मातम फैला दिया इसने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सपना सबके गुस्से भरी आवाजों को सुनकर घर से बाहर आती है। उसी समय मीनाक्षी और रिया मिलकर उसे मारने लगती हैं। तभी सपना कहती है, आप लोग क्यों मार रहे हैं मुझे? आखिर मैंने क्या किया है? छोड़ दीजिए मुझे। समधन जी छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, मेरी बेटी मनहूस नहीं है और ये तो बस एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? महेंद्र के इतना कहने पर भी सुमित्रा और उसके परिवार का गुस्सा कम नहीं होता और उनके ताने भरी बातों को सुनकर सपना अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये शादी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब ऐसी हालत में उसकी शादी कैसे हो सकती थी। लेकिन तभी सपना कहती है, देखिए आप लोग पहले मेरी बात सुनिए, हमारे लिए अभी उन लोगों की जान बचाना जरूरी है। मुझे लगता है अभी वो लोग जिंदा होंगे, इसलिए हम लोगों को पहले उन्हें बचाने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए हम लोग पहले चलकर उन लोगों को बचाते हैं, फिर आपको मुझे जो कहना हो कह लीजिएगा। सपना के इतना कहते ही सब लोग मिलकर सपना के साथ उसी गड्ढे के पास जाने लगते हैं और महेंद्र के साथ साथ गांव वाले भी रस्सी और डंडा लेकर उनके साथ जाने लगते हैं। और गड्ढे के पास पहुंचते ही सुमित्रा कहती है, हाँ हाँ यही वो गड्ढा है जहां मेरे तीनों बेटे कार से गिरे थे। सुमित्रा के इतना कहते ही गांव वाले बड़ी बड़ी रस्सियों को अपने कमर पर बांधकर गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं और उसके तीनों बेटों को रस्सियों के सहारे बांधकर ऊपर ले आते हैं, लेकिन ठंड की वजह से तीनों जम जाते हैं। उसी समय सपना लकड़ियों को इकट्ठा करके वहां पर आग जलाती है और उन तीनों को आग के सामने लटा देती है और आग की गर्माहट की वजह से उन तीनों को होश आ जाता है, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि ठंड की वजह से उनकी कुछ नसें ब्लॉक हो जाती है। उसी समय सुमित्रा कहती है, हे भगवान ये मेरे तीनों बेटों को क्या हो गया, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू? अरे तू ही तो इन सब की वजह है, तेरी ही मनहूसियत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और नहीं तो क्या, तुझे हमारे पतियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप लोगों को जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मेरे लिए इस समय इन लोगों को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग इन सबको उठाकर मेरे घर ले चलिए। और इस तरह सपना के कहने पर गांव वालों ने उन तीनों को उठाकर सपना के घर पहुंचा दिया और सपना दिन रात एक करके उन तीनों की सेवा करने लगी, क्योंकि सपना को आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता था और उसने कुछ महीनों तक मेडिकल में पढ़ाई भी की थी, लेकिन अपने घर की गरीबी स्थिति को देखकर उसे अपने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन सपना को मेडिकल के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वो घर में ही दवाई बना कर उन तीनों को पिलाने लगती है और रात दिन एक करके उन तीनों की सेवा करती है। जहां सुमित्रा और उसकी दोनों बहुएं आराम से चैन की नींद सो रही होती है, वहीं सपना की आंखों से नींद गायब हो जाती है और लगातार एक हफ्ते सेवा करने के बाद अचानक से विवेक बोल पड़ता है, सपना। विवेक की आवाज सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आपने अभी मेरा नाम लिया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ सपना, आज तुम्हारी वजह से हम फिर से बोल पा रहे हैं। और इस तरह कुछ दिनों में वो तीनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने बेटों को फिर से ठीक देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी दोनों बहुओं को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
सपना, सच में आज तुमने मेरे तीनों बेटों को बिल्कुल ठीक कर दिया। और मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी दोनों बहू की बातों में आकर ना जाने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। हाँ सपना, हमें भी माफ कर दो, हमने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब हम तुम्हें डोली में अपनी देवरानी बनाकर ले जाएंगे। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में सपना और विवेक की शादी हो जाती है और सपना खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। और इस तरह एक मनहूस बेटी अपने ससुराल की लक्ष्मी बन जाती है।